डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हुआ शिक्षक सम्मान समारोह रविवार को शासनादेश के तहत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान किया गया। माध्यमिक व बेसिक के 75-75 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि एवं पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, राजेश चुन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, उत्तर प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, जिलाधिकारी शीलेंद्र सिंह ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर 2019 में राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित माध्यमिक विद्यालय रसूलाबाद की प्रधान अध्यापिका मधु सक्सेना को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास की नींव है, देश के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने जब स्कूल बंद थे तब किसी न किसी तरह से बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दिया। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि अगर शिक्षक व ईश्वर एक साथ खड़े हों तो शिक्षक को हम पहला सम्मान देंगे। शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो बोले, वित्त विहीन शिक्षकों को जल्द मिलेगा सुखद समाचार, क्योंकि शिक्षक ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के पीछे शिक्षकों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। हम सब शिक्षकों को दी हुई शिक्षा से ही देश और प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश के राष्ट्रीय निर्माण की है। DIOS अरुण कुमार दुबे, BSA बुद्ध प्रिय सिंह मौजूद रही। दिवस पर सभी प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में देश के कर्णधारों के ऊपर जिनका भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है, ऐसे सभी शिक्षक भाइयों बहनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस पर पंचायत भवन में कार्यक्रम था। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 75 भाइयों बहनों का और बेसिक शिक्षा के 75 भाइयों बहनों को सम्मानित किया गया है, और मुझे विश्वास है कि समाज को बेहतर शिक्षा देने के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए और देश के विकास के लिए हम लोग सब मिलकर शिक्षक भाइयों बहनों के सहयोग से शिक्षा में परिवर्तन करके और देश को, आगामी पीढ़ी को देश के लिए तैयार करने का काम करेंगे। एक बार मेरी ओर से सभी भाइयों बहनों को, शिक्षक भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को और विशेष रूप से जो हमारे शिक्षक समुदाय के लोग हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, और ज़िंदगी में हम जो भी सफलता के पायदान पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों का योगदान होता है। आज का दिवस उस योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का अवसर होता है। हम सभी अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनके निर्देशन में हमारा देश निरंतर नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।